हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट एकेडमी में। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसा कि जानते हैं सोशल साइंस में ये होता है कि इतिहास के भी, भूगोल के भी और नागरिक शास्त्र के भी, अर्थशास्त्र के भी, चारों का मिक्सिंग आता है। कम से कम आपको आता है तो 8 × 16, कम से कम आपको इसमें देखा तो 10 या 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है सोशल साइंस में। ठीक है, इस बार तो ऑब्जेक्टिव के चांस भी ज़्यादा है आपको आने के लिए। ठीक है, तो भाई इस वीडियो में मैंने पूरा बढ़िया से कंप्लीट कराया हूँ सोशल साइंस को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएंगे तो इसके अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, आप बस आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और जो भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो पर मुझे चाहिए 1000 लाइक। भाई आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी हमें लाइक कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि लाइक के भरोसे हम लोग रहते हैं, लाइक मिलता है अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मेहनत भी करने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कॉपी कलम निकाल लीजिए और साथ ही साथ हमारे नोट करते रहिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले की ओर देखते हैं। क्वेश्चन पहला दोस्तों यह है कि अफीम कहां निर्यात किया जाता था। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये चीज प्रश्न पहला था आपका कि अफीम कहां निर्यात किया जाता था। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी वर्मा और ऑप्शन डी जो है फ्रांस। तो दोस्तों मैं बता दूं, आप लोग अपने से आंसर चूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा तो आप आंसर मिलाइए और कमेंट बॉक्स में कीजिए कि आपका भी आंसर कितना सही है। ठीक है, आप साथ ही साथ हमारे साथ भी आप अपना चेक करते रहिए मुझे कितना आ रहा है। ठीक है, तो मैं आप इसको बता दूं कि अफीम कहां निर्यात किया जाता था, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। कहां पे, तो चीन में। ठीक है, चीन में अफीम निर्यात किया जाता था। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर पहला आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा यह दोस्तों है कि निम्न में से एक कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। इसमें से कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, चार ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन है बगान, दूसरा है चरागाह और ऑप्शन सी है भूमि और ऑप्शन डी जो है वो खनिज संसाधन है। तो दोस्तों अपने दिमाग में सोचिए कि आपका कौन सा आंसर हो सकता है इसमें से। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जितने बच्चे भी आपने दिमाग में सोचे होंगे कि ऑप्शन नंबर डी, तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ये खनिज संसाधन क्या है, व्यक्तिगत संसाधन नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों यह है कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए ज्वालामुखी द्वारा, ऑप्शन बी पवन द्वारा और ऑप्शन सी हिमानी द्वारा और ऑप्शन डी नदियों द्वारा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप लोग अपने दिमाग से सोच लीजिए कौन सा आंसर आपका होगा। मैं अब बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः नदियों द्वारा होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों मैं कर रहा हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही होगी, अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए इन वीडियो को। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा दोस्तों यह है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया, वर्ष 1960 में, वर्ष 1972 में, वर्ष 1998 में, वर्ष 1986 में। तो दोस्तों अपने दिमाग से आप लोग का आंसर सोच लीजिए कौन सा आपका आंसर होगा। तो दोस्तों मैं बताने जा रहा हूं कि भारतीय वन्य जो जीव है संरक्षण अधिनियम कब किया गया, कब पारित किया गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1972 ईस्वी में पारित किया गया। ठीक है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये क्लियर हो चुका होगा आप लोगों का। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताते भी रहिएगा तब पूरा कर लेंगे क्वेश्चन, बताइएगा कि मेरे इतने में से इतना सही था। ठीक है, अच्छा लगेगा मुझे। क्वेश्चन नंबर पांचवा यह है कि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, मिजोरम है कि मध्य प्रदेश है कि उत्तर प्रदेश है कि गुजरात। चलिए अपने दिमाग में थॉट उत्पन्न कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब मैं बताने जा रहा हूं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। तो भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर पांचवा क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर छठवां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवां दोस्तों यह है, रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में बनाई गई है। ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी बिहार में और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों मैं समय कुछ दे रहा हूं, आप लोग अपने दिमाग से सोचिए कि रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में बनाई गई है। तो दोस्तों मैं अब बताने वाला हूं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध परियोजना बनाई गई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह चीज क्लियर होती हो रही है, आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा। अब हम बढ़ चलेंगे अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर सातवें की ओर। क्वेश्चन नंबर सातवां दोस्तों यह है कि भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पन्न करने वाला राज्य है। भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पन्न करने वाला राज्य है, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल और ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी ओडिशा। तो अपने दिमाग में सोचिए कि भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा हो सकता है। तो दोस्तों अब मैं बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कि वो कौन सा राज्य है। तो दोस्तों केरल इस क्वेश्चन का
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है। जिन लोगों ने सोचा होगा कि केरल होगा उनका भी सही होगा, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आठवां पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आठवां दोस्तों यह है, हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि उत्पाद से, पशुपालन से, कृषि उत्पाद में वृद्धि से, कि कृषि उत्पाद के व्यापार से। तो चलिए दोस्तों सोचिए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हरित क्रांति संबंधित है कृषि उत्पाद से, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही होगी, आप लोग इंजॉयमेंट से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अपने दिमाग पर कोई भी फोर्स ना कीजिए, एक दो बार वीडियो देखेंगे दिमाग में मिस बन जाएगा इसका, ठीक है, आराम से पढ़िए, ठीक है, प्रेशर लेकर पढ़ा नहीं जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर नौवां देखिए। क्वेश्चन नंबर नौवां दोस्तों यह है कि निम्न में से धात्विक खनिज है, ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी अभ्रक, और ऑप्शन सी हीरा, और ऑप्शन डी चूना। तो बताइए कि निम्न में से धात्विक खनिज कौन हो सकता है, ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से। तो चलिए आप सोचिए, अब मैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताने वाला हूँ कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि निम्न में से धात्विक खनिज है आपका तांबा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। क्वेश्चन नंबर दसवें बढ़ चलते, क्वेश्चन नंबर दसवां यह है, भारत में अभ्रक उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? भारत में अभ्रक उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी झारखंड में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में, कि ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो चलिए सोचिए कि कौन सा आंसर इस क्वेश्चन का हो सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश की, भारत में अभ्रक उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो भाई मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है भारत में अभ्रक उत्पादन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए, कि खनिज के तेल के लिए, कि परमाणु ऊर्जा के लिए, कि तापीय शक्ति के लिए? तो चलिए सोचिए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए अब मैं बताने वाला हूँ कि अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो खनिज तेल के लिए, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है। जो लोग भी सोचे होंगे कि ऑप्शन बी है तो इनका सही होगा, कमेंट कीजिएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली कौन सी है? रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, कि जल परिवहन? तो दोस्तों आप लोग सोचिए, मैं इसका करेक्ट आंसर बताने वाला हूँ कि भारत की सबसे बड़ी परिवहन जो प्रणाली है वो रेल परिवहन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत इंजॉय से पढ़ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों यह है, इसको देखते हैं, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर पूर्वीय भारतीय राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है? ठीक है, NH-44, NH-2, NH-31, NH-28। तो दोस्तों आप लोग सोचिए, अब मैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताने वाला हूँ कि वह राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों को कौन जोड़ता है? तो NH-31 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा, क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, अब उसको देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 यह है कि बेल्जियम में कितने प्रतिशत आबादी फ्रेंच भाषा का प्रयोग करती है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि बेल्जियम में कितने प्रतिशत आबादी फ्रेंच भाषा का प्रयोग करती है। देखते हैं कितने स्टूडेंट को इसका आंसर पता है। तो चलिए मैं कुछ वक्त देता हूँ, अब मैं बताने वाला हूँ क्योंकि वक्त अब ज़्यादा है नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर बी 80%। बेल्जियम में कितने प्रतिशत आबादी फ्रेंच भाषा का प्रयोग करती है? तो 80% भाई, बेल्जियम में फ्रेंच भाषा प्रयोग की जाती है 80%, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? बहुत ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन, करंट अफेयर का क्वेश्चन भी आप लोग जानते होंगे कि वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो कितने भाई? 9। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 2020 में क्वेश्चन पूछा भी गया था एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में यह है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी 1980 में, 1990, 1992, 2004, आप सोचिए कौन सा होगा। तो चलिए मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ कि भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी सन 1992 ईस्वी में, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? ऑप्शन ए बेल्जियम, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी यूगोस्लाविया, और ऑप्शन डी नीदरलैंड। तो चलिए दोस्तों सोचिए कि कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यूगोस्लाविया,
ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट भी कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों यह है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल के पंचायती राज की संस्थाएं। ठीक है, आप लोग सोचिए। तो दोस्तों मैं बता दूं कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है वो करती है पंचायती राज संस्थाएं। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 19 की और क्वेश्चन 19 देखते हैं कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ है वह है भाई जर्मनी है कि इटली है कि फ्रांस है कि इंग्लैंड, आप सोचिए। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ है, तो इस क्वेश्चन का तो भैया फ्रांस से हुआ है राष्ट्रवाद का प्रारंभ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आप देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, लास्ट क्वेश्चन के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं कि प्रशा के राजा विलियम्स प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिसंबर 1870 में, जनवरी 1870 में, ठीक है कि जनवरी 1871 में, कि जनवरी 1872 में। तो चलिए सोचिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है जनवरी 1871 ईस्वी में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था जनवरी 1871 ईस्वी में। तो इस विषय क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मैंने इसमें टोटल 20 क्वेश्चन बताया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा होगा। अगर इसमें से जितने भी क्वेश्चन आपके सही थे आप कमेंट करके बताइए, मैं कमेंट पढ़ूंगा और मुझे अच्छा भी लगेगा कि आप जवाब दे रहे हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए पूरी दुनिया में। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।